फानी तूफान का पूरे देश में कहर बरपा है। ये तूफान उड़ीसा से लेकर पश्चिम बंगाल तक पहुंचकर उत्तर पूर्व भारत की तरफ बढ़ रहा है। तूफान के चलते एनडीआरएफ की टीमें अलर्ट मोड पर हैं। समुद्री तटों पर उठे फानी तूफान का असर भिवानी में भी देखने को मिल रहा है। भिवानी में फानी तूफान के कारण भिवानी में मौसम ने करवट ली और जनजीवन अस्त व्यस्त दिखाई दिया। तूफान के साथ रेतीले इलाकों में जहां धूल भरा माहौल रहा, पेड़ पौधे भी टूटे। तूफान के असर से भिवानी में तापमान में गिरावट भी दर्ज हुई। इस तूफान का असर भिवानी के साथ लगते जिले चरखी दादरी और महेंद्रगढ़ में भी दिखा। तूफान के चलते मौसम विभाग ने भी किसानों को अलर्ट जारी किया ताकि वो अपनी फसल को ढककर रखे, जिससे किसानों की मेहनत पर पानी फिरने से बच सके। फानी तूफान से सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को झेलना पड़ रहा है, क्योंकि किसानों द्वारा फसल काटने के बाद मंडी में खुले में पड़ी है। ऐसे में अगर फानी का प्रकोप भिवानी में बढ़ता है तो सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ के किसानों को उठाना पड़ेगा। इस बारे में किसानों का कहना है कि अगर यहाँ इस तूफान का प्रकोप बढ़ता है तो सबसे ज्यादा नुकसान उन्हें उठाना पड़ेगा, क्योंकि उनकी फसल मंडी में खुले में पड़ी है। वहीं किसानों ने कहा है कि इस तूफान से चल रही तेज आंधी से जहां गर्मी से निजात तो मिली है, लेकिन इस राहत के साथ समस्याएं भी बहुत सामने हैं। है बहुत तेज उछाड़ के उसका रूप बना रखे है, बहुत तेज है हवाएं, तो भी रह रही है जी, पर निकली नहीं है सब फसल। तो कैसा नुकसान हो सकता है? नुकसान हो सकता है जी, पूरी भी कच्चम भी उड़ेगी, पूरी भी उड़ेंगी, थोड़ा भी उड़ेगा, किसानों को नुकसान हो सकता है। हाँ, किसानों को नुकसान हो सकता है तेज बारिश में। तूफान का सबसे ज्यादा असर किसानों पर पड़ा है। ऐसे में सरकार को किसानों की समस्या को ध्यान में रखते हुए उनकी मदद के लिए कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। इंद्रवेश दोहन, टोटल न्यूज, भिवानी।